नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसीटेन टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, किनको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पैसीटेन टैबलेट यह फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसकी 30 टैबलेट का प्राइस ऑलमोस्ट 40 रुपीज आपको मिल जाता है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। ये एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है जो कि ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को कम कर देती है। अब हम जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। इसका जो मेनली यूज है वह पार्किंसन डिजीज में किया जाता है। पार्किंसन डिजीज क्या होता है अब ये जान लेते हैं। ये एक मानसिक रोग होता है। यह रोग एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो हमारे शरीर के अंगों को संचालित करता है। इसके लक्षण इतने कम होते हैं कि शुरुआत में आपको इसके लक्षण पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है आपके हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है और इसका असर आपके चलने, बात करने, सोने, सोचने से लेकर लगभग हर काम में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेनली क्या होता है, जो ब्रेन में डोपामाइन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह दिमाग को सही तरीके से संदेश नहीं पहुंचा पाता है और दिमाग का कंट्रोल हमारे शरीर के अंगों से समाप्त हो जाता है। तो हम जान लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं पार्किंसन के। आपको कैसे पता चलेगा कि इसके क्या लक्षण है ना, तो इसके लक्षण में आ सकता है कि हाथ पांव में कंपन होना। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई खाली भी बैठा है तो उसके हाथ हिलते रहेंगे, या कोई चाय का कप पानी पी रहा है तो आपने नोटिस किया होगा कई बार हाथ में कंपन होता है, और उसके चलने फिरने की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है और झुक के चलने लगेगा वो, हाथ पैर पर पूरे शरीर में जकड़न सी होने लगेगी, कुछ भी लिखने को अगर पेन भी उठाएगा तो हाथ उठाने में उसको तकलीफ आएगी, और अगर बिस्तर पे से उठ के वो चलने की कोशिश करेगा तो पैर भी सही से नहीं उठ पाएंगे, और चलते चलते संतुलन खो देना। तो ये इसके कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इस टैबलेट का यूज पार्किंसन के अलावा जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है उसकी साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ड्राइनेस इन माउथ, मतलब आपका मुंह सूख सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत हो सकती है, ब्लर विजन, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, आपको यूरिन करते समय डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये इसी कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ग्लूकोमा, हार्ट, किडनी, लिवर, प्रोस्टेट की या फिर हाई बीपी की कोई समस्या है तो डॉक्टर को अवश्य बताएं, क्योंकि इन प्रॉब्लम में इस मेडिसिन को बहुत ही सावधानी पूर्वक दिया जाता है, या फिर हो सकता है डॉक्टर ना दे आपको ये टेबलेट। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।